बताइए क्या है। सबसे पहले तो हमारी ओर से सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जितने भी हमारे मुख्य चीफ गेस्ट आए हुए हैं उनका भी जितनी हमारी ओर से स्वागत करता हूँ। और ये जो हमने संस्था बनाई है समाज की भलाई के लिए बनाई है, हमारी संस्था पिछले कई वर्षों से कार्य कर रही है। समाजियों के भाई नहीं थे, उनके भाग बने हैं या पीयर ये हैं, इसको लेकर के आज हम यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं। हम इकट्ठा हुए हैं, डॉक्टर विजय जी ने आज डिसीजन लिया है कि हम अपने गांव के अंदर यानी नोरथा के अंदर ही जिला मानीपत के अंदर ब्रांच की ओपनिंग करें, जहाँ पर आप सब लोग जो यहाँ के जन इकट्ठे हुए हैं आप लोग भी इसका लाभ ले सकें। और इसके अलावा गांव के अंदर और बहुत सारी जैसे साफ सफाई की समस्याएं हैं, या जो जिन भाइयों की शादी नहीं हो रही, अच्छे परिवार से हैं, वो सब कार्य संस्था कर रही है और गरीब परिवारों की खासकर मदद कर रही है। और हरियाणा के अलावा हमारी संस्था पिछले 2 सालों से 10 राज्यों के अंदर और काम कर रही है। इसका जो सारा कारोबार है हमारे डॉक्टर विजय रंगन जी संभाल रहे हैं। जैसे ये छत्तीसगढ़ के अंदर या मध्य प्रदेश के अंदर, उड़ीसा के अंदर, और हमारे गोविंद जी हैं जो पंजाब और यूपी को संभाल रहे हैं, और साथ में जो डॉक्टर सुनील जी हैं ये हरियाणा पंजाब यूपी तीनों को इकट्ठा संभाल रहे हैं। क्योंकि मेरा जो प्रोफेशनल है, वैसे मैं बाय प्रोफेशनल डॉक्टर हूँ, तो ज़्यादातर मैं उसी को समय दे पाता हूँ। मैं अकेला इस कार्य को नहीं कर पा रहा, आप जैसे साथियों और इन जैसे जो साथी हैं इन सब के सहयोग से ये कार्य कर पा रहा हूँ। और इसमें मुख्य एक दो चीज़ें और थी, अभी पिछले साल ही हमने 11 लड़कियों की शादी लाड़वा के अंदर डॉक्टर विजय रंगा जी ने खुद अपने सानिध्य में करवाई है। वहाँ पर मैं तो किसी कारणवश नहीं पहुँच पाया, लेकिन स्वामी जी और डॉक्टर विजय रंगा जी थे वहाँ पर, इन्होंने काफ़ी धूम धड़ल्ले से प्रोग्राम वहाँ पर किया। और अभी 10 नवंबर के अंदर ही हम कुछ लड़कियों की ओर शादी करने वाले हैं, तो हो सकता है पानीपत हो या नोरथा हो, वो जगह बाद में डिसाइड होगी। और इसके अलावा कुछ बीमारियों का इलाज भी संस्था फ्री करती है, जैसे सांप के काटे हुए, अगर कोई गरीब परिवार से किसी सांप, मतलब गरीब परिवार में ज़्यादातर मजदूरी होते हैं खेतों में काम करने वाले, अगर किसी को सांप ने काट लिया तो लाखों रुपए देने पड़ जाते हैं, जान के लाले हो जाते हैं, कर्जदारी हो जाते हैं। हम बोलते हैं कि हमारे पास फोन मिलाए या दवाई लेके जाए, हम लोग फ्री में उपचार करेंगे। पीलिया है, मलेरिया है, इन सब चीज़ों का इलाज हम बिल्कुल निःशुल्क करते हैं, चाहे वो हमारी सदस्य का मेंबर है या नहीं है। इसके अलावा जो आजकल सबसे बड़ी समस्या है वो है रोज़गार की। पढ़े लिखे MBA BA ग्रेजुएशन लोग घूम रहे हैं ऐसे ही, 5-5, 10-10 हज़ार रुपये की नौकरियां कर रहे हैं। हम बोलते हैं कि हमें अपना रिज्यूम प्रोवाइड करवाइए, और रिज्यूम प्रोवाइड करवाने के बाद आपसे छोटा सा इंटरव्यू लिया जाएगा कि आप सेवा करना चाहते हैं हमारी संस्था के अंदर या नहीं। आप अगर उसके लायक हैं तो आपको सिलेक्ट करके अपनी संस्था के अंदर कोई पद दे दिया जाता है, जिससे आप संस्था के अंदर कार्य कर सकते हैं। और बाकी की जो योजनाएँ हैं वो हमारे बीच में दोबारा डॉक्टर विजय रंगन जी बताएंगे। इसी के साथ दिल की गहराइयों से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपने मुझे सुना, धन्यवाद। ओके, हम दिल की गहराइयों से डॉक्टर प्रदीप जी का धन्यवाद करते हैं। विशेषकर मैं हमारे पत्रकार भाई हैं नेशनल न्यूज लाइव से, आज हमारे संस्था का प्रचार करने के लिए हमारे बीच जो क्लब है, तो मैं आपके चैनल का भी धन्यवाद करता हूँ। हमारी संस्था पिछले 2 साल से कार्य कर रही है। डॉक्टर साहब का थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, पिछले साल 20 नवंबर को हमने 11 लड़कियों की शादी नहीं, हमने 14 लड़कियों की शादी करवाई थी, तो उसके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे आप सभी लोग। पिछले साल हम 51 गरीब लड़कियों की शादी करवा चुके हैं, जो कि कुरुक्षेत्र में और लाडवा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जहां पे पहले संस्था का ब्रांच था वहां पे मैंने ये ऑफिस संस्था के जो सामूहिक विवाह हम करवाते हैं वो करवाया था। और इस साल में 20 नवंबर को हम सराणा के अंदर 11 लड़कियों की, गरीब लड़कियों की जो शादी होगी वो करेंगे। आसपास की कोई भी गरीब परिवार की लड़की है वो हमारी संस्था में कॉन्टैक्ट कर सकती है। हमारी संस्था का एड्रेस माजरा मोड़ और नोरथा के जो पेट्रोल पंप, इंडियन पेट्रोल पंप, वहाँ पे हमने ऑफिस कर लिया है। और कोई बहन अगर ऐसी है जिसके भाई नहीं है, वो संस्था के माध्यम से अपने भात की सुविधा ले सकती है। वो कोई भी ऐसी बहन हो जो ये सोचती है कि मेरा कोई भी नहीं है, बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो 7-7 बहनें होती हैं, 6-6 बहनें होती हैं, भाई नहीं होते,
पर वो अपने आप को अकेला ना समझे। हमारी संस्था हैंड टुगेदर हेल्प फाउंडेशन नोलथा गांव के अंदर आ चुकी है और उस बहन का भाई बन करके मैं और हमारी पूरी टीम, हमारे भाई बड़े भाई किशन जी, जितेंद्र जी और भी स्वामी जी, प्रदीप जी, सभी लोग हैं, उस बहन के पटना हम चढ़ने के लिए रेडी हो जाएंगे। और कोई भी बहन अगर कोई गर्भवती है, वो बच्चे को जन्म दे देती है, अगर उसके भाई नहीं है तो संस्था के माध्यम से हम उस बहन को जच्चा बच्चा भी सुविधा देते हैं, जिसको हम पीड़िया बोलते हैं, छुच्छक भी बोलते हैं, उसको ताली बजाएंगे सभी लोग। इसका कोई भी चार्ज ना तो जच्चा बच्चा का हम कोई चार्ज ले सकते हैं, ना ही हम भात का कोई चार्ज लेते हैं संस्था में। सिर्फ हमारे को मालूम होना चाहिए कि संस्था के अंदर ये कार्ड आया है, या फिर हमारे को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि उस बहन को बच्चा हो गया है। उसके बाद यही हम रुकते ही नहीं है। अगर कोई भी गरीब परिवार, अभी बताया, अगर वो शादी के लायक है, वो अपनी लड़की की शादी की चिंता ना करे। हमारी संस्था ऑलरेडी 51 गरीब लड़कियों की शादी सामूहिक विवाह में हम करवा चुके हैं, और जो भाई ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं हो पाती, वो भी हम 2 साल के अंदर लगभग 1200 ऐसे दूल्हे हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, इसमें लगभग 500 लोग हैं हमारे साथ जो कार्य कर रहे हैं संस्था के अंदर वॉलंटियर बन करके, और बहुत बड़े दानवीर संचर हैं। कोई भी एनजीओ अगर अपना 3 साल का ऑडिट कंप्लीट कर देती है तो उसको 51% पैसा सरकार देती है, 49% पैसा हमारे ये दानवीर संचर बैठे हैं ये देते हैं, और यूट्यूब से भी संस्था को दान आता है। मैं चाहूंगा जो दान करने वाले लोग हैं एक बार उनके लिए भी ताली बजाएंगे सभी लोग। उसके अलावा यही सुविधा नहीं है, बहुत सारी सुविधाएं हैं, मैं और 2-3 सुविधाएं आपको बताऊंगा। अगर कोई भी गरीब परिवार की लड़की की शादी है और उसके भाई भी हैं, उसका सब कुछ है लेकिन वो गरीब है, वो अपनी बेटी को सामान उपहार में देना चाहता है, हम दहेज नहीं बोलेंगे क्योंकि दहेज प्रथा हमारे पास नहीं है, अगर वो उपहार में सामान देना चाहती है अपनी बेटी को या बेटी को सामान देना चाहते हैं, हमारी संस्था के माध्यम से हम 5% से 40% छूट पर सामान खरीद के उनको देते हैं। जैसे कि मान लीजिए उसको 50,000 का सामान चाहिए, हम उनसे 30,000 रुपए लेकर के 50,000 रुपए का सामान नजदीकी वहां पर कोई भी ब्लॉक या फिर कोई भी गांव शहर होगा वहां से उसको खरीद के उसको देकर आएंगे। वैसे ही पहले मैं लगभग 22 लाख रुपए की सुविधा मैंने पिछले साल सिर्फ साथी के सामान की बांटी है, क्योंकि डॉक्टर साहब चलाते हैं पर हाथ में सब मेरा है, मैं करता हूँ। पिछले साल हमने जो 14 लड़कियों की शादी हुई थी, हमारा एक लड़की की शादी में लगभग 2 लाख रुपए का बजट है जो हम सामूहिक विवाह में शादी सामूहिक विवाह में जो हम सामान देते हैं उसमें हम डबल बेड, कूलर, अलमारी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलसीडी, सिलाई मशीन, प्रेस कुकर, क्या हम कपड़े, 5 ज्वेलरी और लड़की का लहंगा भी हमारा होता है, उसका श्रृंगार का सामान भी हमारा होता है। लगभग हमारा 2 लाख रुपए लगता है एक साल में, चलिए लेंगे जनता के लिए। हमारा ऐसा कोई भी कारोबार या कोई भी काम ऐसा नहीं है कि हम पैसा इकट्ठा कर पाए। हमारे दानवीर सज्जन हमारे साथ बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो संस्था में बढ़ चढ़ कर दान देते हैं। अगर कोई भी दानवीर सज्जन जो मुझे सुन रहा है, मैं चाहूंगा वो संस्था में बढ़ चढ़ कर दान दे। हमारी संस्था की 10 ब्रांचें पहले खुल चुकी हैं, अभी 11वीं ब्रांच आज खुलने जा रही है नौथा गांव के अंदर, और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो गरीब परिवारों के लिए देते हैं, अभी समय के अभाव से मैं नहीं बता पाऊंगा। हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि हैं चेयरमैन जी डॉक्टर श्याम राणा जी, जो राजौंद से हैं, जो इस पूरे इंडिया को कोऑर्डिनेट करते हैं, पूरी इंडिया की जो कार्य प्रणाली है। हमारी संस्था के अंदर 15,000 लोग जुड़ करके अभी इस समय लाभ ले रहे हैं। अभी भी जस्ट मैं 1-2 दिन पहले उड़ीसा से वापस आया हूँ। उड़ीसा के अंदर बहुत सारे गरीब परिवार के बच्चे ऐसे हैं जो संस्था में जुड़ करके लाभ ले रहे हैं। मैं चाहूंगा हमारे संस्था के जो चेयरमैन हैं, हम उनको सुनेंगे। स्वामी जी को मैं जोरदार तालियों के बीच में स्वामी जी को आमंत्रण दूंगा कि स्वामी जी हमारी संस्था में आएंगे, स्टेज पे आएंगे और स्टेज पे 4 चांद लगाएंगे और अपने कीमती विचार रखेंगे। जनरेटर थोड़ा आवाज कर रहा है, हमारे पीछे से भाई बोल रहे हैं जनरेटर को बंद करो और लाइट आई है लाइट में लगा लो, ये तो अभी चल रहा है। भी कार्यक्रम चला है अभी तक, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ माताओं बहनों से भाइयों से
क्या आपको कुछ समझ में आया? आपको समझ आया कुछ? आगे जी। नहीं नहीं, कितने प्रतिशत समझ में आया, कैसे समझ में आया? आवाज आ रही है। जो चीज हम नोट कर रहे थे वही चीज आप नोट कर रहे हैं, क्योंकि जनरेटर की आवाज इतनी थी जिसकी वजह से कुछ माताएं बहनों के भाइयों के पल्ले कम पड़ी है बात। अभी थोड़ा सा हमने इसलिए उधर करवाया है, हम बिना माइक के भी इतना ही बोल के बता सकते हैं। आवाज आ रही है सबके पास? ठीक है, बिना माइक के बोलेंगे। आदर व सम्मान के योग्य कृष्ण पाल जी नोरथा से, भाई शोर बंद कर दो, दो मिनट के टाइम है, ज्यादा नहीं हम देंगे। नोरथा से हमारे बीच बैठे हुए हैं जो विराजमान हैं कृष्ण जी, और मुझे पता चला है कि आने वाले समय में परमपिता परमात्मा परमेश्वर जो है इनको आशीर्वाद दे। ये भावी एमएलए हैं आपके, इलेक्शन लड़ेंगे, और इन्होंने बताया था कि हम टिकट लेके आएंगे तो हम इलेक्शन लड़ेंगे। चलो दूसरी बात है, हमारे बीच माननीय सचिन सरपंच साहब जी, और उसके बाद हमारे प्रदीप डॉक्टर जी करनाल से, गोविंद जी और सुनील जी, डॉक्टर साहब, डॉक्टर विजय रंगा जी, इन सब का और आप सब का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अब बात आती है संस्था की, मैं आपको दो मिनट में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, कुछ लोगों को समझ आती है कुछ को नहीं आती है, लेकिन अभी मैं जो बताऊंगा वो सारी समझ आएगी। संस्था किसको कहते हैं? कुछ लोग मिलकर के किसी एक ग्रुप को समाज की भलाई के लिए, समाज के अच्छे कार्यों के लिए, डीबेटी के काम के लिए, बीमारियों के लिए, बहुत सारे समाज के अंदर ऐसे कार्य हैं जिनको सुचारू रूप से चलाने के लिए जो तैयार होता है एनजीओ, जो ग्रुप तैयार होता है उसको संस्था का रूप दिया जाता है। वो जिस प्रकार से जिन भाइयों के, जिन बहनों के भाई नहीं है उनका बात बढ़ना, उनके सुख दुख में साथ खड़े होना, और दूसरा किसी को घर में किसी प्रकार की कोई तकलीफ है, कोई सहारा नहीं है उसको सहारा देना, तीसरा एजुकेशन के बारे में, गरीब बच्चा है पढ़ाई लिखाई नहीं करवा पा रहे हैं, संस्था वो पढ़ाई लिखाई उस बच्चे की करवाएगी। और उसके बाद बहुत सारे हमारे गांव में देहात में बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो कुछ करना चाहते हैं परंतु कर नहीं पाते, क्यों? क्योंकि सहयोग नहीं मिल पाता उनको। उसी प्रकार से जो ये संस्था तैयार की गई है, हम सब ने मिलकर के एक मोटिव बनाया, एक लक्ष्य बनाया कि आप गांव में देहात में शहर में गांव में कस्बे में किस प्रकार से जाएंगे, तो ये हमने एक लक्ष्य बनाया कि एक संस्था के माध्यम से हम सब घरों तक जाएंगे और सबको रोजगार, सबका साथ, सबका विकास, सभी प्रकार का कार्य जो है ये संस्था करेगी। इसके अंदर, संस्था के अंदर पिछले दो बरस से जो कार्य चल रहे हैं बाहर की बहुत सारी स्टेटों के अंदर, आज जो जानकारी प्राप्त हुई है 10 स्टेटों के अंदर आज इस संस्था का काम चला हुआ है। तो मैं साथियों एक और बात बताना चाहता हूं, एक ऐसी औषधि आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों द्वारा तैयार की गई जो कम से कम 70 बीमारियों के ऊपर काम करती है, 70 बीमारियों का काम जो है वो अकेली दवाई उनसे लड़ने का ताकत रखती है। ये हमारे आयुर्वेद की ताकत है। जब हमने आयुर्वेद की खोज से इस प्रकार की जड़ी बूटियों से दवाइयां तैयार की तब हमें पता चला कि किन किन बीमारियों पे कौन सी दवाई कारगर है, कौन सी दवाई काम करेगी। आज हम इस संस्था के माध्यम से आपको बता रहे हैं बहुत सारी ऐसी तकलीफें हैं जिनका इलाज जो है वो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों द्वारा किया जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं, पिछले बरस लाडवा के अंदर कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिसमें मैं भी शामिल था, हमने 14 बेटियों की शादी की, 14 बेटियों की शादी की, उसके अंदर हमने बेड अलमारी फर्नीचर का सारा सामान, टीवी एलईडी सारा सामान हमने दिया, जिसमें हमारे सामने
सारी बात क्लियर की थी, विजय रंगा जी ने बताया था, आपको नहीं सुनाई दिया हो। 2 लाख रुपया एक बेटी की शादी पे खर्चा आता है, वो सारा खर्चा जो है हमारी संस्था करती है, और आप बहुत मान सम्मान के योग्य हैं, कुछ भाई बाहर से आए हैं, कुछ नोल्टा के लोग हैं, आप लोगों का भी एक कर्तव्य बनता है कि आप जो हैं मिलकर के इस संस्था में सहयोग करें। हेलो, बिना माइक के भी आवाज तो आ रही थी ना, आपकी आवाज बुलंद है। हेलो, तो साथियों, अगर आप किसी भी प्रकार का कोई इलाज आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के द्वारा करवाना चाहते हैं तो आप इस संस्था से संपर्क करेंगे, आपके आस में पास में पड़ोस में मोहल्ले में, आप ध्यान रखें किसी भी घर में गरीब बच्चा है, वो पढ़ाई के लायक है और पढ़ना चाहता है, तो यह संस्था उसकी पढ़ाई का जिम्मेदारी लेगी। कुछ ऐसी तकलीफें हैं जिनका इलाज जो है, जैसे पीलिया है, मलेरिया है, जले हुए कुछ रोगी हैं, उनका इलाज एक पैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री इलाज होगा। साथियों, संस्था का काम जो है सुचारू रूप से चलाने के लिए धन की जरूरत पड़ती है, पैसे की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है ना, तो वो संस्था के अंदर कहां से आता है, कुछ ऐसे लोग हैं जो दान करते हैं, अनुदान किया हुआ राशि जो है वो लोगों की सेवा में काम आता है। इसी प्रकार बहुत सारे और संस्था के काम हैं, दूसरी स्टेटों में लगातार 2 साल से संस्था कार्य कर रही है, और उसके बाद गरीब परिवार की लड़की की शादी है उसमें कन्यादान देने का काम संस्था करती है, और यदि कोई, मैंने पहले भी बताया, कोई बच्चा काबिल है उसके ट्यूशन का खर्चा सारा संस्था के द्वारा उठाया जाएगा, और जड़ी बूटियों के माध्यम से तो है ही है, दूसरा एक और है, अगर कोई भी व्यक्ति लाचार है, मजलूम है, गरीब है, संस्था के पास आएगा उसको हर प्रकार से सहयोग किया जाएगा। मेरी गुजारिश, मेरी प्रार्थना आए हुए तमाम सभी भाइयों से कि वो इस बात का ध्यान रखें कि संस्था जो है दान से, अनुदान से चलती है, सहयोग से चलती है, आप लोगों का सहयोग भी उसके अंदर बहुत जरूरी है। मैं ज्यादा ना कहते हुए, क्योंकि बहुत कुछ पहले भी वक्ता जो है बता चुके हैं, और एक बात की और जरूर मैं कहूंगा कि बिना पैसे के आज जो है ये मंच लगाया, ये भी पैसे से, ये टेंट की सीलिंग लगी, ये भी पैसे से, बिना पैसे कुछ नहीं है। यदि आप लोग इस चीज का महत्व समझते हैं, पैसा है संसार जगत में, फिर पैसे कैसी यारी है, और पैसा पैसे को चाहता, पैसे की रिश्तेदारी है, रंग हजारों पैसे में, बिन पैसे कोई रंग नहीं, और बिन पैसे ना मिले शांति, बिन पैसे कोई जंग नहीं। तो ये पूरे संसार का खेल है, भाई बहन का, परिवार का, रिश्तेदार का, समाज का, बिना पैसे कोई कार्य नहीं होता। इसलिए संस्था को ध्यान में रखते हुए आप लोगों ने, संस्था है कौन, संस्था आप हैं, आप सब भाई मिलकर के संस्था है, आप सब हमारा परिवार है, हमें किसी प्रकार का कोई लालच नहीं है, हमने कोई बहुत बड़े महल नहीं बनाने हैं, मकान नहीं बनाने, कोई बिल्डिंग तैयार नहीं करनी है, फैक्ट्री नहीं लगानी है, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का काम है, ये सब जो टीम बैठी हुई है ये सब मिलकर के करेंगे, और सबके पास उस पर पिता परमात्मा ने रोटी दी है, कपड़ा दिया है, मकान दिया है, किसी प्रकार का भी कोई इनके अंदर कोई भी ऐसा स्वार्थ का भाव नहीं है, निस्वार्थ ये टीम काम कर रही है, और बहुत सारे भारतवर्ष के अंदर निस्वार्थ लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 500 लोगों की टीम जो है इंडिया के अंदर काम कर रही है,
और मैं ज्यादा ना कहते हुए इतना जरूर कहूंगा कि आप सब हम सब मिलकर के सस्ता है सस्ता का सहयोग करें, आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, शुक्रिया। मैं स्वामी जी का आभारी हूँ, बहुत ही कम समय में और बहुत अच्छी बातें स्वामी जी ने बताई हैं। और मैं चाहूँगा हमारे आदरणीय बड़े भाई हैं कृष्ण नरवाल जी, जो कि मैं उनको इनवाइट करता हूँ कि वो आगे आ जाएंगे और वो भी अपने कीमती विचार समाज के प्रति और संस्था के प्रति रखेंगे। जी, तालियों के साथ हम भाई का स्वागत करेंगे। आदर व मान सम्मान के योग्य मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मातृशक्ति और हमारे दूर दराज से आए हमारे महात्मा जी राजों से आए हैं, मैं इनका बड़ा मान सम्मान करता हूँ। और जो भी इस संस्था को चला रहे हैं, मैं उनको अभी दिल की गहराइयों से मान सम्मान करता हूँ। मेरा भी उद्देश्य यही रहा है, मैं आयकर विभाग से रिटायरमेंट हूँ और मैंने गरीब लड़कियों की शादी करवाना, गरीब बुजुर्गों को कंबल दिलवाना, और मैं पानीपत क्लब से, रोटरी क्लब से, मिडटाउन क्लब से जुड़ाया था, मेरे को दो बार सम्मानित भी किया, और मैं इस संस्था को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। अब मुझे धनी लोगों का भी पता है, जो मुझे बुलाकर ये कहते थे भाई कोई किसी गरीब लड़की की शादी करवानी है, कोई सम्मान दिलवाना है, अब तो कृष्ण कुमार हम आपके साथ हैं और मैं इस संस्था को होगा ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करवाने की कोशिश करूँगा और इस पर स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और इलाज पर ध्यान दिया जा रहा है। मैं चाहूँगा कि ये संस्था या कामयाब होगी और आप लोगों का सहयोग होगा, और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारी सरकार आई तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक दिन आपके बीच में, संस्था के बीच में ला गए और आपका मान सम्मान भी करवाऊंगा और आपकी संस्था को भारी रकम दिलाने का कार्य करूंगा। रही बात ये, जो भी मेरे से सहयोग होगा, मैं पानीपत से जितने भी मेरे साथी हैं, मैं राज कवात्रा है, अनीता गुप्ता है, कंचन सागर है और कंचन दीवान है, मैं सबको जानता हूँ, रोटरी क्लब को, पानीपत क्लब को, मिड टाउन क्लब को, जितने भी क्लब हैं, मैं सबके साथ संपर्क में हूँ और मैं चाहूँगा कि संस्था के जो भी बंदे हैं मैं उनका भी संपर्क करवाऊँगा और इसके लिए मैं पूरा सहयोग करवाने की कोशिश करूँगा ताकि हमारे गांव का नाम रोशन हो और इस संस्था का भी नाम रोशन हो। मैं इस शब्दों के साथ आए हुए सभी बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का धन्यवाद करता हूँ। हमारे पंडित जी आए हैं, सरपंच साहब और हमारे दूर दराज से जो महात्मा जी आए हैं, इनका भी मैं दिल की गहराइयों से सम्मान करता हूँ। और भाई राजेश जागलन का भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने ये सारा काम करवा के और यहाँ एक इतना बड़ा संगठन खड़ा किया। और धन्यवाद। जय जय भारत।